मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर एक तरह का रोटेटिंग डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। आपको सोचो मोटर क्या करता है? मोटर आपके पास घर में मोटर लगा हुआ होता ही नहीं होता है। आप बताओ क्या आप मोटर में कौन सा एनर्जी देते हो? हम लोग स्विच ऑन करते हैं और मोटर स्टार्ट होता है, तो स्विच ऑन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर में इलेक्ट्रिक करंट दिए, तो करंट असल में मोटर को क्या देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और मोटर को जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है वो तुरंत वहां से रोटेट करना शुरू कर देता है। तो रोटेट करके वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। और उसी मैकेनिकल एनर्जी के जरिए जो पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कहां आता है? ऊपर आता है। आता ही नहीं आता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेट करने वाला डिवाइस है, घूमने वाला डिवाइस है, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। इन इंग्लिश इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? अब पॉइंट नंबर टू है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर जो है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस लॉजिक पे काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसका लॉजिक ये है कि अभी आपने पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और देखा था कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, ध्यान रखिएगा करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट पास कर रहा है उसको आप किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उस कंडक्टर पे क्या लग जाता है? फोर्स। पता है क्या पता है? इसी लॉजिक का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, हम करते क्या है कि हम एक रेक्टेंगुलर क्वाइल लेते हैं। क्या लेते हैं? रेक्टेंगुलर क्वाइल। और उस क्वाइल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। कहां प्लेस करते हैं? और उस रेक्टेंगुलर क्वाइल में जैसे ही आप करंट पास कराओगे तो वो रेक्टेंगुलर क्वाइल क्या बन जाता है? करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बन गया? और करंट कैरिंग कंडक्टर कहां प्लेस किए हुए? उसका मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो आपने पढ़ रखा है कि उस पर क्या लगता है? फोर्स। तो उस रेक्टेंगुलर क्वाइल जो कि उस पर करंट जब पास कराओगे मैग्नेटिक फील्ड में जो कि प्लेस जाए तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। और उसके पास दो आर्म्स है, जरा सोचो, मान लो कि मेरे दो आर्म्स है ये दोनों, तो एक ए बी मान लो कि ऐसे गया रेक्टेंगुलर क्वाइल, ऐसे गया ऐसे करके फिर घूम करके ऐसे आया, तो कितने आर्म्स हो गए इसमें? दो, एक ये वाला आर्म्स और एक ये वाला आर्म। तो इसमें मान लो करंट इंटर कर रहा है, उधर से करंट आ रहा है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा? इधर से इधर, मान लो इधर से करंट एंट्री कर रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? ऐसे से जा रहा है, फिर वैसे घूम करके फिर इधर से आ रहा है। तो दोनों बाहों में, दोनों आर्म्स में क्या करंट डायरेक्शन सेम है? अलग अलग, अलग अलग है। इसमें आपका इधर से उधर जा रहा है, उसमें उधर से इधर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचो जब दोनों आर्म्स में अगर करंट का डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा? क्या फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन सेम होगा? वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। तो मान लो कि इसमें इसमें अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो इसमें कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। तो कैसा घूम जाएगा ये? कैसा घूमेगा ये? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि नहीं घूमेगा? है कि नहीं? और जैसे ही फिर आप ये वाला आर्म इस साइड आएगा और ये वाला आर्म इस साइड आएगा तो इस वाले आर्म में जो करंट करंट इधर से इधर आ रहा था अब इसमें क्या हो जाएगा? इधर से इधर। तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जा रहा है? रिवर्स हो रहा है, जिस कारण से मोटर हमेशा कैसा मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? वर्क करता है। तो ध्यान समझेंगे इस बात को। तो देख लो यहाँ पे पहले मोटर का डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। इधर रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एग्जांपल जान लीजिए किस किस में आप इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं, बताइए जो चीज घूमता है। एग्जांपल बताइए, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन देखे है ना आप लोग, रोटेट करता है, रोटेट करता है, उसमें क्या लगा हुआ है? मोटर। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक करंट के क्या वॉशिंग मशीन चलता है? क्या नहीं चलता है? फिर बताइए, फिर आप ग्राइंडर या मिक्सचर या कंप्यूटर में जो फैन लगा होता है देखते हो, वहां मोटर लगा हुआ होता है। फिर आपका क्या है? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में मोटर लगा हुआ होता है कि नहीं? ये सब डिवाइस क्या है जिसमें का क्या लगा होता है? मोटर। अब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखो प्रिंसिपल आपको कब समझ में आएगा? जब मैं इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझा दूंगा। तो फिलहाल मैं प्रिंसिपल इतना बताता हूं, एक लाइन याद लीजिए कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हो गया छोटा सा एक लाइन का, लेकिन आप ऐसे मत लिखना आंसर, आप पूरा बताना अच्छे से। तो अच्छे से आप तब भी बता पाओगे जब इसका कंस्ट्रक्शन समझोगे। तो पहले हम क्या देखेंगे? इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, तब फिर प्रिंसिपल पाएंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो आ जाए कंस्ट्रक्शन। दो कंस्ट्रक्शन मैंने कॉपी में बनाया हुआ और यहाँ पे ऐसे नीट से उठाया गया। ध्यान दीजिएगा, पहले कॉपी वाला देखते हैं।
हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, हम दो परमानेंट मैग्नेट लेते हैं। क्या लेते हैं? दो परमानेंट। देखो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बेसिक कंस्ट्रक्शन। हमने दो परमानेंट मैग्नेट लिया, एक लिया नॉर्थ पोल और एक क्या लिया, एक क्या है नॉर्थ और एक क्या है साउथ, ठीक है। और बीच में देखो हमने क्या प्लेस किया है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल। देखो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है और इंसुलेटेड कॉपर वायर है। किसे लिया है हमने? ये इंसुलेटेड कॉपर वायर का, ठीक है। ये क्या है, ये जो मैं बनाया है ग्रीन कलर से, ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर कॉइल जिसके दो आर्म्स हैं, एक है ए बी और दूसरा क्या है सी डी। क्लियर है? बोले क्लियर है? नहीं इनके बारे में ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इस दोनों आर्म्स को हम एक स्प्लिट रिंग से जोड़ते हैं। जोड़ते हैं हम लोग एक रिंग लेते हैं, ध्यान देखिए, एक रिंग लेते हैं और उस रिंग को बीच से क्या करते हैं, दो आधा कर देते हैं। एक रिंग को बीच से क्या करते हैं, दो आधा कर देते हैं, तो क्या बन गया, टू हाफ रिंग्स। क्या बन गया? या उसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, क्या बोलते हैं, या उसको बोलते हैं कम्यूटेटर। तीन नाम है उसे, क्या क्या, हाफ रिंग, स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर। कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही चीज है। अब उस दो हाफ रिंग को, एक रिंग को इसके द्वारा हम वेल्डिंग कर देते हैं और एक रिंग को हम इसके द्वारा वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग समझते हो ना आप लोग, देखते हो रास्ता है वहां पे लोहा को, वैसे ही हम यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं इसका। वेल्डिंग डब्ल्यू ए, वेल्डिंग मत बोलिएगा क्योंकि हम लोग देहाती भाषा में वेल्डिंग ही बोलते हैं। ये होता है क्या है, वेल्डिंग डब्ल्यू लगता है। क्लियर है? हमने वेल्डिंग कर दिया कि टू हाफ रिंग्स को किससे, एंड्स ऑफ द वायर से। बात समझ में आ रहा है? अब इस कम्यूटेटर का नाम क्या रखा हमने, एक का रख दिया क्या एक्स और एक का रख दिया वाई। ये वाला जो हाफ रिंग है इसका नाम क्या है एक्स और ये वाला का नाम क्या है वाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने ये दो मैग्नेट लिया, दोनों मैग्नेट के बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस कर दिया और दोनों कॉइल के, दोनों रेक्टेंगुलर कॉइल के एंड को हमने टू हाफ रिंग से जोड़ दिया वेल्डिंग करके। इसका नाम क्या है, एक्स और वाई। और यहां पे एक हम कार्बन ब्रश लेंगे। क्या लेंगे? कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश इसलिए लेते हैं कि इसमें जंग नहीं लगता है। क्या लगता है? जंग नहीं लगता है और ये आसानी से करंट को जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। कार्बन ब्रश हम इसलिए लेते हैं कि करंट को ट्रांसफर करने में विदाउट एनी लॉस ये आसानी से ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए हम किससे कौन सा ब्रश लेते हैं, कार्बन का ब्रश लेते हैं। इस कार्बन के ब्रश का नाम क्या है, पी और क्यू। ये क्या करेगा, जैसे कि अब फिर देखो इस कार्बन ब्रश को फिर हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। बाहर में एक सर्किट बनाए हुए हैं हम जिससे कि करंट जाएगा मोटर में। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया डायग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मोटर में क्या देंगे, करंट। तो हमने मोटर में स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। फिर ऐसे गया करंट, जैसे जैसे ऐसे ही जाएगा करंट, रास्ता ही नहीं करंट का, ऐसे गया ऐसे गया। और इस ब्रश से किस में जाएगा ये, पहले एक्स वाले किस में जाएगा, हाफ रिंग में। ब्रश से किस में ट्रांसफर होगा करंट, एक्स वाले हाफ रिंग में। फिर यहां से इस तरह से होते हुए करंट ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा करंट, बोले जाएगा नहीं जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो बताओ ए बी आर में करंट डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। फिर करंट आपका ऐसे होते हुए इधर से आएगा सी टू डी और फिर ये इस ब्रश से होते हुए आपका फिर से बैटरी में एंड कर जाएगा और ऐसे ही आपका करंट एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। अब मुझे बताओ, जब करंट इसमें फ्लो जाएगा रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट एबी में क्या, ए टू बी और इसमें क्या है, सी टू डी। अब आर्म एबी में हम लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आर्म एबी में क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डू यू नो व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है क्या है, कि स्ट्रेच द थंब, फोर्थ फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ योर फोर्थ फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब्स विल थंब, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। पता ही नहीं पता है? अब इसको सेट करते हैं। देखो करंट कहां जा रहा है, इधर। इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे करंट इधर जा रहा है हमारा, तो करंट उधर गया, करंट गया उधर। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां है, इधर की उधर। बताओ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, मतलब क्या जाएगा, इधर जाएगा बी। बोली हुआ कि नहीं होगा? अब क्या देखना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो यहां पे बी उधर जा रहा है हमारा, तो बी उधर गया। अब करंट कहां है हमारा, पीछे। करंट किधर है, तो करंट को पीछे किया ऐसे, हो गया। देखो कहां लग रहा है फोर्स, फोर्स कहां लग रहा है, समझ में आ रहा है?
तो हमारा फोर्स ये एबी वाला जो क्वायर है ये कहां जाएगा? डाउनवर्ड। कहां जाएगा? डाउनवर्ड। बोली समझ में आ रहा है? उसी टाइम पे एट द सेम टाइम, क्योंकि करंट तो बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, उसी टाइम पे जब हम इस वाले आर में जब हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें आप देखो करंट इधर आ रहा है और बी तो इधर ही है, नॉर्थ टू साउथ। तो इसमें देखो करंट जैसे ही बदल गया तो फोर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और यहां देखो बी इधर जा रहा है और करंट इधर है ना, इसमें करंट आपका इधर है, हो गया। देखो ऐसे ही देखो करंट मेरा इधर जा रहा है, इधर करंट है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है। फोर्स कहां लग रहा है? तो फोर्स हमारा कहां लगेगा? अपवर्ड। कहां लगेगा? अपवर्ड। तो आप यहां सोचो ये जा रहा है ऊपर और ये जा रहा है नीचे, तो कैसा घूमेगा? सोचो देखो कैसा घूमेगा, कैसा घूमेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए जी, समझ में आया है पक्का? अब आफ्टर दी हाफ रोटेशन, जब मोटर कैसा घूम जाए, जब क्वाइल कैसा घूम जाए, हाफ रोटेट कर जाए, जब हाफ रोटेट कर जाएगा तो देखो ये कम्यूटेटर तो इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है, क्या जुड़ा हुआ है क्या? तो ये वाला जो आपका वाई कम्यूटेटर किसके पास हो जाएगा? पी के पास। और एक्स वाला किसके पास चला जाएगा? इमेजिन कर सकते हो आप लोग, ये वाई किसके पास गया? पी के पास। एक्स किसके पास गया? अब जरा सोचो ये वाला जब इधर आ जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा, तो ये डी वाला ये यहां गया डी, और सी कहां आ गया? यहां। बोलिए हाँ या ना? और ए यहां आ जाएगा और बी वहां आ जाएगा। तो करंट तो ऐसे ही ना इंटर कर रहा है, तो करंट डी जब यहां आ जाएगा तो करंट किसमें इंटर करेगा? यहां डी में। और फिर कहां जाएगा? कहां जाएगा? सी तक। अब करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डीसी। अब करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डीसी। इसमें क्या हो जाएगा? बी ए। हुआ कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब वहां पे आप दोनों में आप लगाओगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो आप देखोगे क्या कि डीसी जो सीडी जो होगा, सीडी वो कहां जाएगा? नीचे। और ये कहां जाएगा? ऊपर। तो फिर आपका कैसे घूम जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका रेक्टेंगुलर क्वायल में करंट का डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। और इस कारण से आपका जो मोटर जो है कंटिन्यूअसली क्या करते रहेगा? क्या करते रहेगा? रोटेट करता रहेगा। और इस हिसाब से आपका मोटर क्या होता है? चलता है। बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ये बताओ किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्रिंसिपल क्या होगा कि जब हम रेक्टेंगुलर क्वायल को कहां प्लेस करेंगे? कहां प्लेस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसके दोनों आर्म्स पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और फोर्स लगने के चलते आपका रेक्टेंगुलर क्वायल कैसा मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और इस तरीके से मोटर क्या करता है? काम करता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर क्वायल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन अ फोर्स एक्ट्स ऑन द आर्म ऑफ द क्वायल, देन अ फोर्स एक्ट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द क्वायल विच मेक्स इट टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली अनलेस एन अल्टिल करंट इज पास थ्रू इट। बोले समझ में आया नहीं है? ये तो हो गया अच्छा वाला प्रिंसिपल का लाइन हो गया। अब ऐसे आपके साथ क्या लिखोगे? कुछ नहीं समझ में आया क्या लिखोगे? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। लेकिन ये लाइन तभी लिखोगे कब? जब आपके दिमाग कुछ काम नहीं करे, जब आप नहीं लिख पा रहे हो, तब मजबूरी में लिखना ही लाइन, तब एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा नंबर देने के लिए, कुछ ना कुछ देगा जरूर आपको। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसे क्या लिखोगे? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर क्वायल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर क्वायल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, then a force will act on the arm of the coil which makes it rotate continuously। समझ में आ रहा है? खुद से रिवर्स बना रहा हूं ना कि करंट कैरिंग क्वाइल को कहां डालोगे? मैग्नेटिक फील्ड में। उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, जिसके चलते आपका वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। हो गया, मोटर बन गया। इज इट क्लियर? क्या बताना पड़ेगा आपको? इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्यूटेटर हेयर, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट रिंग हेयर, इसका क्या काम है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। वॉट इज द पर्पज ऑफ स्प्लिट रिंग? स्प्लिट रिंग का मोटर में क्या काम है? तो क्या बोलोगे? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टू टेन क्या होगा? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। वाई कार्बन ब्रश इज यूज है? कार्बन ब्रश तो क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ दिया गलती से भी तो बोल देना ये करंट को ट्रांसफर करने में क्या करता है? मदद करता है विदाउट एनी लॉस, है ना? इसका यहाँ पे और भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हम कार्बन ब्रश का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन ब्रश में करंट का ट्रांसफर क्या होता है? यहाँ पे रोटेट कर रहा है ना डिवाइस आपका, ये
तो करंट को यहाँ ट्रांसफर करना है तो लॉस भी हो सकता है, इसलिए क्या हो रहा है, लॉस होने नहीं देता आराम से। सारा करंट क्या होता है, ट्रांसफर करता है, और इसमें क्या होता है, जल्दी जंग भी नहीं लगता। ठीक है, बोले क्लियर है? अरे बोले क्लियर है तो क्या इसको बताना पड़ेगा हमको, वर्किंग हो गया ना। चलो इसको मिटाते हैं। प्रिंसिपल जरा एक बार देख लीजिए इसे। अब प्रिंसिपल देख, देखो इस मोटर में आपसे तीन चीज पूछेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन ऑन विच प्रिंसिपल दैट द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, और एक पूछ सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट रिंग इन द मोटर। कितने क्वेश्चन बने? चार। ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए, और ये भी आई है बिकॉज जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है। अब देख लो इलेक्ट्रिक मोटर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर ये मोटर वर्क्स का प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल का स्पेलिंग पीएलई हो गया। ठीक है, दैट व्हेन अ रेक्टेंगल कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, तो उस पे क्या लगेगा, ए फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट्स इट कंटीन्यूअसली। बस या चाहो तो आगे ये भी लिख सकते हो कि व्हेन द कॉइल रोटेट्स, कॉइल जब रोटेट करेगा तो उस कॉइल से क्या लगा होता है, डंडी लगा होता है ना, शाफ्ट डंडी लगा होता है जो घूमता है गोल गोल, तो डंडी भी रोटेट करेगा, डंडी को क्या बोलते हैं, साफ, वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस तरीके से मोटर क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा। बोले समझ में आ गया? अब है कि मोटर के स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ाएंगे, मोटर के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएंगे, तो वाली भाई कमर्शियल मोटर के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कमर्शियल मोटर जो मतलब जनरली हम लोग रियल लाइफ यूज करते हैं, है ना, बड़े पैमाने पे। तो कमर्शियल मोटर में अगर चाहिए आपको, जाहिर सी बात है मोटर की ताकत क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मोटर का ताकत कैसे बढ़ाएंगे, तो पहला हम वहां पे क्या लगाएंगे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे। हमने कहा किसका यूज किया था, परमानेंट मैग्नेट का, याद है, और परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत कम होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या होता है, हम मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, पता है ना। अगर हम करेंट को बढ़ाएंगे तो भाई मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करेंट को घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कमर्शियल मोटर बनाना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ताकि हम पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोवाइड कर सके। तो किसे यूज करेंगे कमर्शियल मोटर में, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे, कहां, किसके जगह पे, परमानेंट मैग्नेट के जगह पे। दूसरा, द कॉइल हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आपने देखा होगा कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल किया था ऐसे, आपने देखा होगा सीधा मैंने ऐसे किया था ऐसे करके, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको टर्न्स में बदल देंगे, रहेगा रेक्टेंगुलर ही लेकिन किस फॉर्म में रहेगा, क्वायर्स के फॉर्म में, इस तरीके से रहेगा। समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो आपका मोटर का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, वही लिख रहा हुआ है क्या, क्वायर है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब इसके अंदर अगर हम आयरन डाल देते हैं, क्या डाल दें, आयरन, तो इसका स्ट्रेंथ और नहीं बढ़ जाएगा, बोलिए, नहीं बढ़ जाएगा स्ट्रेंथ, वही है। द क्वायर इज बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, द सॉफ्ट आयरन कोर एंड द क्वायर टुगेदर, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। अब इस कनेक्शन, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, आर्मेचर। इससे भी क्या होगा, मोटर क्या बन जाएगा, पावर। बोले विजन बन रहा है दिमाग में, पक्का क्लियर है। इस तरीके से हम कमर्शियल मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे पास मोटर का स्ट्रेंथ क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, और क्या हो, पावरफुल। बताइए मोटर के, कमर्शियल मोटर में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, दो बताइए, दो पॉइंट। पहला क्या है, पहला किस कैसे प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे इन द प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। पॉइंट नंबर टू, हम क्वायर्स का नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तीसरा, उस क्वायर के अंदर में क्या डाल देंगे, सॉफ्ट आयरन को डाल देंगे, उसको क्या बना देंगे, आर्मेचर बना देंगे, ताकि क्या होगा, हमारा मोटर का स्ट्रेंथ क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। चलिए इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बात समझिएगा। इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करवाना, इंडक्शन मतलब क्या है, प्रोड्यूस करवाना, उत्पन्न करना, कुछ जनरेट करना, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करवाना या करना, जनरेट करवाना, क्या करवाना, प्रोड्यूस करवाना या जनरेट करवाना। अब टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ये हुआ
कि इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रो से बन रहा है जनरली क्या, एक सेंस बन रहा है किसका, करंट का, और मैग्नेट से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक, मैग्नेट क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का बन रहा है कि बन रहा है, एक सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, करंट, और मैग्नेट का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्शन मतलब क्या होगा, प्रोड्यूस करवाना। बात समझना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करवा ले, किसे प्रोड्यूस करवा ले, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस करवा ले, करंट प्रोड्यूस करवा ले, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या बाय द हेल्प ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ध्यान देना यहां, आपने देखा होगा अभी तक आप क्या देख रहे थे, कि करंट से हम क्या बना रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड, समझो अच्छे से। अभी तक टिल नाउ आप क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या था, कि करंट जब हम कंडक्टर से पास करते थे तो क्या होता था, वो अपने चारों ओर क्या बनाता था, मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप करंट से क्या बना रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड। अब रिवर्स करो तो क्या हो जाएगा, उल्टा करो, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना गया, करंट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड से अगर आप करंट बना रहे हो, तो इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या बाय द हेल्प ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं किसमें, जनरेटर में। क्या इस्तेमाल किसमें करते हैं, क्या जनरेटर में हम करंट देते हैं, क्या करंट देते हैं जनरेटर में, करंट लेते हैं, करंट हम लेते हैं ना उससे, और उसको देते क्या है, घुमाते हैं इसे इसे, क्या दे रहे हैं उसको, मैकेनिकल एनर्जी, और वो हमको क्या दिया, क्या है वो, कौन सा एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आ रहा है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, इफ अ बार मैग्नेट मूव्स, आप पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किसने किया था, फराडे ने। किसने किया था, देखो 1831 का बात है, फराडे जो है ना, ऐसा माना जाता है कि एक्सीडेंटली अपने लैब में बैठे हुए थे और क्वायर वायर रखा हुआ था, गुस्सा में वो मैग्नेट लेकर फेंक के मारे इसे, ठीक है, और फेंक के मारे तो क्वायर नहीं होता है, उसके अंदर से घुस गया इसे, ऐसे घुस गया तो देखे वहां पे क्या आ गया, गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन, क्या आ गया, आप वो देख के चकित रह गए, कैसे आ गया करंट इसे, फिर लिए फिर मारे उसमें इसे, फिर जब मैग्नेट घुसा उस क्वायर में, तो उस क्वायर में क्या आ गया, क्या आ गया, करंट आ गया, जो उस क्वायर से क्या लगा हुआ था, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, कि सर्किट में करंट है कि नहीं है वो बताता है, कैसे करके, अपने नील को क्या करके, डिफ्लेक्ट करके। बात समझना, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं, क्या करके, तो अपने नीडल को इधर उधर डिफ्लेक्ट करके, ठीक है। तो उन्होंने जो आपके फराडे थे, उन्होंने क्वायल बना करके रखा हुआ था लैब में, और उस दोनों क्वायल को उन्होंने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर से करके रखा हुआ था, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत करके थक चुके थे, ना ही कुछ समझ में आ रहा था उनके, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट उनको थोड़ी पता है कि मैग्नेट को अंदर भेजेंगे तो करंट आएगा, वो तो नया था ना, कुछ आइडिया नहीं था उनको, तो लास्ट में बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बहुत मेहनती इंसान थे, ऐसे ही पटक के मारे ऐसे ही मैग्नेट, तो बस उस क्वायल के अंदर गया और क्वायल और गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन, उनको लगा कि भाई इसमें करंट आ गया, फिर इसको बार बार देखे करके, फिर मैग्नेट को मूव करा के देखे, अंदर बाहर करके देखे, तो देखे क्या आ रहा है, उसमें करंट आ रहा है। तो इस तरीके से वहां पे खोज हुआ किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और फराडे बहुत ही मेहनती थे, लोहार के बेटा थे, ठीक है, और बहुत ही गरीब थे, बहुत गरीब, और किताब बाइंडिंग करते थे फराडे, क्या करते थे, किताब को बाइंड करते थे, बोलिए समझ में आया, सीधा बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाना, समझ में आ गया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाने तो क्या बन गया, बस कुछ नहीं।
इसी के बारे में आप थोड़ा सागर पढ़ोगे क्लास में बैठा करके, टेंथ में कुछ नहीं छोटा मोटा टॉपिक है बस यही है, क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ मतलब एक्टिविटी देखेंगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। पूछ सकता है व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, या नेम द डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो क्या नाम दोगे? गैल्वेनोमीटर। देखो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें रेडियल दिख रहे हो, ये रेडियल अभी जीरो पर है, अगर ये रेडियल इधर घसका या इधर घसका डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब क्या है सर्किट में करंट है। अगर डिफ्लेक्ट नहीं किया, अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट नहीं किया, इसका मतलब सर्किट में करंट नहीं है, क्लियर है। चलो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द हेल्प ऑफ ए कॉइल एंड अ बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या, करंट को पास, करंट को प्रोड्यूस करवाएंगे किसके द्वारा, कॉइल के और बार मैग्नेट के हेल्प से। कैसे? देखो हमने एक कॉइल लिया, क्या लिया हमने एक कॉइल, देखो ये कार्डबोर्ड है, आयरन को मत समझिएगा, क्या है कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के ऊपर लपेट लिए तार को, कैसा स्ट्रक्चर दिए हम सोलेनोइड के जैसा, है ना, सोलेनोइड सही होता है ना, तो ऐसा कार्डबोर्ड के ऊपर लपेट करके उसमें क्या लगा दिया हम, गैल्वेनोमीटर, क्या लगा है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब देखो हमारे पास तीन केस बनेगा, पहला केस हम मैग्नेट को और कॉइल को स्टेशनरी रखेंगे, स्टेशनरी का मतलब होता है क्या, रेस्ट पोजीशन, क्या होता है मतलब, नहीं कॉइल को हम मोशन में लाएंगे और नहीं मैग्नेट को हम मोशन में लाएंगे। तो बताओ पहला जब स्टेशनरी पर रखा गया मैग्नेट को और कॉइल को, तो देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। व्हेन कॉइल एंड द मैग्नेट बोथ आर केप्ट एट स्टेशनरी देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। और बेटा ये भी पीबीआई क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो क्वाइल को और जब मैग्नेट को स्टेशनरी पर रखा गया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया कि नहीं आया? नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट बना कि नहीं बना? नहीं बना। द करंट हैज बीन नॉट प्रोड्यूस्ड। देखो प्रोड्यूस को ही हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस्ड। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोगों को तो क्लियर नहीं है कि इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, इंड्यूस का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस होना। तो बताइए क्या इसमें इंड्यूस्ड करंट बना क्या? तो जो करंट बनेगा ना जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे? आप बताओ इसमें करंट इज इंड्यूस्ड और नॉट इंड्यूस्ड? नॉट इंड्यूस्ड। समझ में आ गया? कब? जब क्वायर और मैग्नेट किस पोजिशन पर रहेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब हम मैग्नेट को लेकर के अंदर करेंगे। अब इस मैग्नेट को हम ले क्या करेंगे, अंदर करेंगे। जैसे ही आप मैग्नेट को लेकर अंदर जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को अंदर लेके जा रहे हो, तो मैग्नेट को अंदर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज। बताओ मैग्नेट की तरफ से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलता है, बताइए। अरे बताइए ना, मैग्नेट से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो जब जैसे ही आप इस मैग्नेट को अंदर लेके जाओगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, अंदर में चेंज आएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो देखा गया क्या कि गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, करंट इज इंड्यूस्ड या नॉट इंड्यूस्ड? इंड्यूस्ड। कब? व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड द, किसमें, कॉइल। व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड द कॉइल देन देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर एंड दिस डिफ्लेक्शन शोज दैट करंट हैज बीन इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। समझ में आया नहीं है? पक्का? और जब इसको अंदर जाके रोक दिया गया ना, मतलब मूवमेंट रोक दिया गया अंदर जाके, तो फिर ये भी क्या आ गया, जीरो पे आ गया। मतलब जब मैग्नेट मूव कर रहा है तभी करंट है, और मैग्नेट रुक गया तो करंट क्या हो गया, रुक गया, प्रोड्यूस होना बंद हो गया। इसका मतलब क्या कि मैग्नेट जब चल रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है, चेंज। तो यानी करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज, वरना करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करा दे रहे हो कंडक्टर के, तो क्या हो जाएगा, उसमें करंट बन जाएगा, करंट कुछ नहीं था पहले, करंट आ गया उसमें। थर्ड केस, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड आउटसाइड द कॉइल। अब मैग्नेट को कहां ले जा रहे हैं, आउटसाइड, कॉइल में लगाया था मैग्नेट को, अब मैग्नेट को कहां लेके जाएंगे, बाहर। तो देखो आप मैग्नेट को बाहर लेके जाओगे या वो लेके गए फराडे साहब, तो क्या देखे इसमें, फिर आ गया क्या, डिफ्लेक्शन, दूसरे साइड डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब करंट आया तो जरूर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट तो बनेगा।
लेकिन करंट क्या होगा? बनेगा। तो भाई हमको मतलब किसे था, करंट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो करंट कब बन रहा है? जब मैग्नेट को अंदर लेके जा रहे हैं तब, और मैग्नेट को बाहर लेके जा रहे हैं तब, बनना नहीं बन रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बाय मूविंग मैग्नेट। बाय किससे? बाय मूविंग मैग्नेट। किसके रिलेटिव में? किसके कंपेरिजन विद रिलेटिव टू द कॉइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि एक कॉइल लिए और क्या लिए, बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखे किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ ए कॉइल एंड अ बार मैग्नेट। फर्स्ट कहां पर रखे हम दोनों को? स्टेशनरी पे। जब हम दोनों को स्टेशनरी पर रखे तो हमारा करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। पॉइंट नंबर टू, जब मैग्नेट को अंदर ले गया तो करंट प्रोड्यूस, जब बाहर ले गया तो करंट प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है कॉइल में तो करंट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और इसी और जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोले क्लियर है? अरे क्लियर है तो आपको ये एक्टिविटी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आपको एग्जाम में आपको तीनों केस बना के बताना पड़ेगा। आपको बनाओगे ना? बनाओगे ना आप लोग? चलिए नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द हेल्प ऑफ टू कॉइल्स। ध्यान रखिएगा, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किससे कराए हैं? मैग्नेट से। आपको पता है ना मैग्नेटिक को अंदर बाहर कर रहे थे। आप देखो कॉइल था, मान लो ये कॉइल है और ये क्या है? मैग्नेट। तो हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किससे कराए हैं? बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट से कराया है ना। तो देखो यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, ये आपका कॉइल है और ये कॉइल है। अब हम मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमको मैग्नेटिक फील्ड का ही चेंज कराना है। तो हम करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं? हम मैग्नेटिक फील्ड करंट से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हम मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड हम मैग्नेट से तो बना सकते हैं, और किससे बना सकते हैं? करंट से भी। तो हम क्या करेंगे? दो कॉइल्स लिए, एक कॉइल वन लिए और एक कॉइल क्या लिए? टू। ये हो गया प्राइमरी कॉइल और ये क्या हो गया? सेकेंडरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है कम है? ज्यादा है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? कम है। इसको लगा दिए बैटरी से, इसमें क्या लगा दिए? गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या लगा दिए? गैल्वेनोमीटर लगा दिए। क्यों ऐसा किए? हम ऐसा इसलिए किए कि हम देख रहे हैं क्या कि इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराते हैं तो इसमें क्या इसमें रिफ्लेक्शन आता है कि नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, हम क्या किए? पहले स्विच क्या किए? ऑन किए। स्विच क्या किए? ऑन। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे ना तो इसमें करंट जाएगा, तो इसमें क्या क्रिएट होगा? क्या क्रिएट होगा? और ये कैसा दिख रहा है आपको? दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? बार मैग्नेट जैसा। तो तुरंत जैसे ही करंट ऑन करोगे इसमें से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा इसमें से? क्या निकलेगा इसमें से? निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए ना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां घुस रहा है? कॉइल नंबर किस में? तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया कि नहीं आया? अगर हम इसमें करंट का चेंज किए तो इससे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, तो कॉइल टू में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? और इसमें क्या आ गया? डिफ्लेक्शन। समझ में आया? उसके बाद डिफ्लेक्शन आया, फिर ये जीरो क्यों हो गया? बिकॉज इसमें करंट कंटिन्यूअसली जा रहा है। जब स्विच ऑन करोगे ना उसी मोमेंट में इसमें चेंज आया है। समझ में आया? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ गया अचानक से? पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड था? पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड था? नहीं था। कब आया इसमें? जब क्या किया इसमें? स्विच ऑन करिए। सही, फिर स्विच ऑफ करोगे फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? चेंज। फिर इसमें क्या आ गया? डिफ्लेक्शन। अब किधर होगा? इस साइड। समझ में आ रहा है? तो वेन एवर वी आर, अब स्विच ऑन ऑफ करोगे करंट का, क्या करोगे? ऑन ऑफ ऑन ऑफ बार बार, तो इसमें हमेशा क्या रहेगा? डिफ्लेक्शन, कभी इधर कभी इधर कभी इधर होते रहेगा। इसका मतलब स्विच ऑन ऑफ जो कर रहे हो असल में आप कर क्या रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड में क्या ला रहे हो? चेंज। अब कॉइल नंबर वन में अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो कॉइल टू में भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। जब कॉइल टू में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि करंट आपका कॉइल नंबर टू में क्या हो जा रहा है? इंड्यूस्ड हो जा रहा है बाय ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोली समझ में आया कि नहीं है? पक्का? तो आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप दो कॉइल की मदद से बताइए या एक कॉइल और किसके द्वारा? मैग्नेट के द्वारा। तो अगर कॉइल और मैग्नेट का पूछेगा कितना केस? तीन केस। और आपका दो कॉइल का पूछेगा तो कोई रहेगा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? ये हो गया एक कॉइल, इसमें क्या लगा दिया? बैटरी और क्या लगा दिया? स्विच। अब इसके बगल में एक और कॉइल बना देंगे, छोटा सा कम टर्न्स लगेगा उसमें, और उसमें क्या लगा देंगे? गैल्वेनोमीटर। बन गया, बन गया। तो जी मत लिखेगा यहाँ पे, यहाँ क्या बना देंगे? नीडल ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आप एक कार्डबोर्ड लगा देना ऐसे। बन गया कनेक्शन। अब क्या करेंगे? बस जो सारा केस जो है ना, पहला केस लिखेंगे क्या? केस नंबर वन,
when current is not flowing, when current is not when the switch is off in point number one, there is no diffraction in the galvanometer. Point number two, when we switch on the current, there is diffraction in the galvanometer in coil two. That means current is induced in coil two. When we switch off the current, there is again diffraction in the galvanometer in coil two. On the other side, this shows that current is induced. Hence we conclude that whenever we are switching on or off the current, the magnetic field is changed in coil number one, and the change in magnetic field in coil number one produces also makes change in magnetic field in coil number two, due to which the current is induced in coil number two. Hence, the change in magnetic field produces electric current in coil number two, and this is called electromagnetic induction. बोले समझ में आया कि नहीं है? वो दिक्कत नहीं. चलिए अब सबसे बड़ी बात जानेंगे. हमने पहला नंबर देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है. तो क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट बाय द हेल्प ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the presence of electric current in a circuit. Clear है? Point number three, electromagnetic induction हमने कितने तरीके से देखा? दो तरीके से. एक किसके हेल्प से? A coil and a bar magnet. और दूसरा two coils. One having large number of turns and one having a small number of turns. है ना? उसमें हमने magnet का इस्तेमाल नहीं किया. हमने किसका इस्तेमाल किया? Current से magnetic field बनाया. और पहले वाले में किससे हमने magnetic field बनाया? Magnet से. बस यही दो अंतर. और दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ. क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, आप नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं. इसमें जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, करंट जो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम किस तरीके, उसका डायरेक्शन को कैसे मापेंगे? हाउ वी विल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल? तो बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. किस रूल के द्वारा करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. यहां जो करंट बन रहा है ना, इंड्यूस करंट, उस इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को कैसे पता करते हैं हम? बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अब ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें तीन फिजिकल क्वांटिटी है. कौन कौन? एक है आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, और करंट तो लास्ट में बन रहा है ना. मैग्नेटिक फील्ड और फिर क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. और तीसरा क्या है आपका? इसको फोर्स भी बोल सकते हो. थर्ड में क्या बन रहा है आपका? इंड्यूस्ड करेंट. यही तीन है. और सब उस पहले वाले में केवल करंट बोलते थे, इसमें क्या बोलोगे आप? इंड्यूस करेंट. हमको इसका डायरेक्शन को फाइंड करना है. तो कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. थंब फोर्स है ना, तो फोर्स मतलब क्या? मोशन ऑफ कंडक्टर. इफ द थंब्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट. बस समझ में आ रहा? ये भी कर, पहले भी तो ये करंट था ना, अभी क्या हो गया? ये इंड्यूस्ड करेंट. बस खाली हाथ बदल गया. ये पहले बायां हाथ था, अभी कौन सी हो गया? दायां हाथ. तो फ्लेमिंग का कौन सा रूल हो गया? राइट हैंड रूल. क्या हो जाएगा? स्ट्रेच द थंब, मिडिल फिंगर एंड सॉरी थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर सच दैट दे आर विजुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट. क्लियर है? चलिए और एक बात और. मैक्सिमम करेंट कब इंड्यूस्ड होगा? जब तीनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू. कौन कौन? मेन दो, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट तो बनेगा, तो बचा कौन? मैग्नेटिक फील्ड और कौन? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या हो? परपेंडिकुलर टू इच अदर, तब इंड्यूस करंट क्या होगा? मैक्सिमम. देखिए मैक्सिमम करंट की जब भी बात आएगी या मैक्सिमम फोर्स समझना, सब क्या रहेगा उसमें? परपेंडिकुलर टू इच अदर. अरे बोलिए, क्लियर है? हो पढ़िए अभी तो फटाफट. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लिखा हुआ है ना, डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन या डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट. कौन सा करंट? इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्शन ऑफ क्या?
induced current is given by a rule called Fleming's right hand rule. According to Fleming's right hand rule, stretch the right thumb, forefinger and the middle finger of your right hand such that they are mutually perpendicular to each other. If the fourth finger indicates the direction of magnetic field, thumb shows the direction of motion of conductor, then the middle finger will give the direction of current. पूछता है एग्जाम में ये सीधा पूछेगा क्या कि स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या स्टेज इसके क्या बोलते हैं स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपसे पूछेगा एग्जाम. और ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो मिनिमम तीन में आएगा या तो पांच में आएगा. क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर होगा तो वैसे ही बैठिएगा हमसे छोड़ के जाएंगे. सोच लीजिए फ्यूचर आपका वही होगा फिर. चलिए लड़की लड़का नहीं पढ़ना है छोड़ दे रहे हैं फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने से कंफ्यूजन क्यों रखिएगा. चलिए क्वेश्चन करते हैं टॉपिक खत्म हो गया मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग टॉपिक आपका खत्म हो चुका है. अब क्वेश्चन करते हैं. तैयार है क्वेश्चन करने के लिए? पक्का? चलिए ध्यान देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. हमको बार मैग्नेट का किसका ड्रॉ करना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है पता है ना? देखिए कुछ ऐसा होता है. आपको ये ड्रॉ करना है. ये दिस इज द आंसर. और ये कितने मार्क्स में आएगा? दो मार्क्स. बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने मार्क्स आएगा? इसका बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है? पक्का? चलिए नेक्स्ट. हाँ बिल्कुल. मैग्नेट में करंट कहाँ से आएगा? कहाँ से पता चलेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बना होता है? डायरेक्शन बना होगा. मैग्नेट में करंट कहाँ से आ गया? मैग्नेट का सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है. करंट तार में करंट दोगे कि मैग्नेट में करंट दोगे? लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. किसका प्रॉपर्टी बताना है? पहला प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलता है? कहां टर्मिनेट करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड टर्मिनेट्स एट. फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरफेयर. इफ दे डिड सो देन द मैग्नेटिक कंपास नीडल विल शो कितना डायरेक्शन? टू डायरेक्शन. कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल. थ्री वही आंसर वही है. व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट इच अदर? दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता है? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट देन द मैग्नेटिक कंपास निडल विल शो कितना डायरेक्शन? टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल. ठीक है? क्लियर है तीनों का आंसर? और आपका ये वाला जो तीनों क्वेश्चन भी आई है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तीनों आता है जनरली क्वेश्चन बहुत बार चुका है बिकॉज क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है. एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम. आइए नेक्स्ट. कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल. लाइंग ऑन द आप लोग का जो टेबल है ना डेस्क वो एक प्लेन है टेबल है. उस पर क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? सर्कुलर क्या लूप. कॉपी है उसमें फोटो बनाई जल्दी से ऐसा वाला समझ आइए. वो टेबल बना रखा हुआ था बस. अब सामने रखिए एकदम सामने कॉपी रखिए फ्रंट में. अभी जो बनाया हो आप वायर आप देखो टेबल पे उतार रखे हो सर्कुलर लूप. देखो तो फील करो तो आपने जो रखा है वो बनाया है कॉपी में वो सब में क्या है? प्लेन है. और सामने क्या रखा? उस प्लेन में क्या रखा हुआ है? सर्कुलर लूप रखा हुआ है. लाइंग ऑन द टेबल वो सर्कुलर लूप किस पे रखा हुआ है? टेबल पर. चलिए आगे देखते हैं. लेट द करेंट पासिस थ्रू द लूप क्लॉक वाइज. चलिए उसमें क्लॉक वाइज करेंट डालिए. क्लॉक वाइज मतलब ऐसे करेंट जा रहा है. हो गया? समझ में आ रहा है? क्लॉकवाइज करंट समझ में आ रहा है ना? अब भाई इनके सैरो मारने से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज. अब समझिएगा अप्लाई लगाइए राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल बोल रहा है फ्लेमिंग का नाम लिया है. केवल राइट हैंड रूल का मतलब क्या होता है? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल.
तो वो लगाइए और बताइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड अंदर और बाहर लूप के कहां होगा, अंदर लूप के अंदर कहां होगा, इधर और बाहर कहां, इधर। तो आप जो लगाओ यहां पे फ्लेमिंग से रखे लो, हाथ रखिए वहां पे, से करंट कहां जा रहा है, ऊपर ना, आपके कॉपी में देखो, कॉपी में देखो, कॉपी है ना, अरे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, हमको आपके तरफ आना पड़ेगा, देखिए करंट आपका आगे बढ़ रहा है, करंट आपका कहां जा रहा है, आगे, तो ऐसे लगेंगे, ऐसे कीजिए, करंट करंट कॉपी में देखो, कॉपी में करंट कहां जा रहा है, जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा रिएक्शन करो, कॉपी में देखिए जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा, तुम बायां क्या कर रहे हो, दायां ना करोगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, इधर का करना है, करंट कहां जा रहा है, आगे, तो कैसे आगे गया करंट, तो थंब में आगे है, और ये करंट फिंगर कहां जा रहा है बताओ, अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, कॉपी को देखिए, मेरे हाथ को नहीं, एक बार ऐसे बना लीजिए, कॉपी को देखिए, कॉपी को देखिए, कॉपी को, अब बताओ ये जो कर्ल्ड फिंगर है कहाँ है, लूप के अंदर में है कि बाहर में, अंदर में है, तो ये डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, कॉपी के प्लेन के अंदर घुस रहा है कि बाहर निकल रहा है, बताओ अंदर जा रहा है ना, तो बताओ लूप के अंदर, ये देखो ये हो गया, ये अगर जो लूप बनाया ऐसे बनाया हो, ये मेरा करंट गया और ये कहाँ अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या, प्लेन ये कहाँ गया, अंदर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द लूप क्या होगा, इन साइड द प्लेन, समझ में आ रहा है, हाँ सही है, अंगूठा ये कर्ल्ड फिंगर कहां जा रहा है तुम्हारा, अंदर जा रहा है ना, तो वही हो गया अंदर, इनसाइड का क्या प्लेन, और वही अगर देखो ऐसे हुआ, अब पूछ रहा है बाहर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे ऐसे गया, ऐसे जाके बाहर में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, देखो ऐसे घुसेगा ऐसे निकलेगा ना, अब बाहर में क्या आ रहा है, आउटवर्ड द प्लेन क्या रहा है, तो इनसाइड द लूप क्या हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, और आउटसाइड द प्लेन क्या हो रहा है, आउटसाइड द लूप क्या हो रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड द प्लेन, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फील करो ना, देखो बना रहा है, प्रैक्टिस करो, समझ में आया, किसको क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर हुआ है, अरे कुछ नहीं करना है, करंट जिनने जा रहा है उन्हें उधर अंगूठा का डायरेक्शन कीजिए, ई जिनने कर्ल्ड फिंगर घुमा हुआ जो फिंगर है जहां घुस रहा है ना वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, ये कहां जा रहा है अंदर, अगर प्ले अगर मान लो ये डेस्क है तो मैसेज के लिए कहां घुस रहा है, अंदर गया, इसका मतलब कहां गया मैग्नेटिक फील्ड, नीचे कहां मतलब प्लेन के अंदर, अब अंदर घुसेगा तो फिर बाहर निकलेगा, निकलेगा तो बाहर निकल रहा है कहां, लूप के बाहर है वो पोजिशन के अंदर है, लूप के बाहर क्या हो गया, आउटवर्ड द प्लेन हो गया, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन, देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर बोल रहा है यूनिफॉर्म है मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम कब रहता है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा हो, पैरेलल हो, तो क्या पूछ रहा है, ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट, कैसा डायग्राम बनेगा, अरे पागल सर डायग्राम कैसा बनेगा, किसका डायग्राम बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे क्या बनाया करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट क्या बना के करते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो पैरेलल लाइन बनेगा, क्या यार तुम लोग इज्जत दे लेते हो, मैं तुम लोग इतना बताने के बाद ये बनेगा इसका आंसर, ये होगा इसका आंसर, नहीं होगा ये पैरेलल लग नहीं रहा, लेकिन आप पैरेलल बनाइएगा, ठीक है, क्यों ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आपको डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या हम बना सकते हैं, क्या कोई देखा है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं देखा है, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या बना करके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा यूनिफॉर्म का, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन बना देंगे, हो गया, इसका मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, मतलब क्या यूनिफॉर्म है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड करंट कैरिंग कंडक्ट करंट सोलेनोइड कैरिंग करंट इज, बोल रहा है कैसा होगा अंदर सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, सेम ही होगा ना, सो इज द सेम एट ऑल पॉइंट, क्लियर है ना, कैसा लाइन बनेगा उसका, पैरेलल लाइन, ठीक है, यूनिफॉर्म बोलेंगे उसको, एग्जाम्पल है, देखते क्या होगा इसके आंसर, इसमें भी लगाना है मैक्सिमम क्या लगाना है, देखो इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स,
इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है किस एंगल पे? देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या कहलाता है? करंट। पता ही नहीं पता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसका मतलब क्या चल रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? इधर। पता है नहीं पता है? तो देखो बोल रहा है क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पर जा रहा है तो बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बताइए फोर्स। अगर ये देखा है मैग्नेटिक फील्ड, ये फोटो दिया हुआ है, अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? नीचे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? नीचे। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जा रहा है इसका मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ रहा है इसका मतलब करंट डायरेक्शन क्या हो गया? ऊपर हो गया। अगर मान लो फ्लेमिंग का रेफरेंस लगाते हैं तो करंट कहाँ हो गया? ऊपर। देखो ये हो गया, और कहा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये क्या होता है हमारा करंट। करंट कहाँ है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर। ये कहाँ जा रहा है? इधर। पीछे की ओर। क्या हो जाएगा ये? टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, इन टू द पेज। मतलब ये कहाँ बना हुआ है? कॉपी में बना हुआ है, तो कॉपी में देखना पड़ेगा। कॉपी में बना दो इसको। कॉपी में ई कहाँ है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर है तो आई कहाँ खींचोगे यार? ऊपर की ओर खींचो आई। आई खींचो ऊपर की ओर। नीचे की ओर मत बना, ऊपर की ओर बना। ई नीचे है ना, ऊपर क्या बना दो आई। अरे कॉपी में इसे बना, मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का वही रहेगा। और ई नीचे था, ई का मतलब ई से मतलब करंट से मतलब करंट से। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट किधर रहेगा? करंट कहाँ रहेगा? करंट को ऊपर बनाइए आई। अब बनाइए डायरेक्शन निकालिए कॉपी के हिसाब से। क्या होगा अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट ऐसे है, हो गया। देखो बनाओ इसे, ऐसे बनेगा, नीचे जाएगा, इन टू द पेज। बनाकर देख लीजिए क्या होगा। इन टू द पेज होगा क्या होगा? देख लो बेटा, ये सब क्वेश्चन आएगा ना, रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। ये वही बच्चा बना पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही अगला क्वेश्चन इन टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटोन। फिर देखो प्रोटोन का बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन चार्ज? प्रोटोन के पास कौन चार्ज? याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटोन दुश्मन है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा प्रोटोन किधर जाएगा? इधर। तो याद रखिएगा प्रोटोन इधर फ्लो करता है, उधर करंट फ्लो करता है। काहे? बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट किधर रहेगा? अब ना बताओ अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? इधर। और हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के अपोजिट प्रोटोन का डायरेक्शन होता है, तो प्रोटोन इधर जाएगा ना। तो देखो प्रोटोन का डायरेक्शन जो होता है वही किस डायरेक्शन होता है? करंट डायरेक्शन। तो प्रोटोन अगर इधर जाएगा तो करंट उधर जाएगा, उधर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इसलिए समझ में आ रहा है ये बात? चलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोन। बोला है कौन सा प्रॉपर्टी प्रोटोन का बदलेगा नहीं अगर ये मूव करेगा फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो प्रोटोन के पास मास होता है कि नहीं होता है? प्रोटोन के पास मास होता है कि नहीं होता है? अब प्रोटोन के पास मास है, अब प्रोटोन मूव कर रहा है तो करंट भी होगा उसके पास। तो प्रोटोन अगर करंट करेगा, करंट हो गया प्रोटोन। बताओ अगर प्रोटोन जब मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो प्रोटोन एक के पास मास भी है और करंट भी है, इसका मतलब प्रोटोन क्या हो गया? करंट कैरिंग कंडक्टर। और कहां रखा गया उसको? कहां रखा गया? तो क्या वैसे ही सीधा चला जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसमें? पढ़े हो ना, मैंने बोला करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। और जब फोर्स लगेगा तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा? बदलेगा नहीं बदलेगा? क्या वो सेम स्पीड से आगे बढ़ेगा? नहीं, उसका वेलोसिटी क्या होगा? बदल जाएगा। मास बदलेगा क्या? मास बदलता है किसी का? मास किसी का बदलता है? नहीं। स्पीड बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा? वेलोसिटी बदलेगा। और जब वेलोसिटी बढ़ेगा बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? मोमेंटम भी बदल जाएगा। बिकॉज मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। पढ़े हो 9th में? अगर वेलोसिटी बदल गया तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसलिए कौन दो आंसर होगा? लिखा हुआ दे रहे हैं मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है। कौन कौन हो जाएगा? बी और सॉरी सी और डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोटोन को जब मैग्नेटिक फील्ड में जब डालेंगे तो क्या होगा? प्रोटोन में क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों? बिकॉज प्रोटोन विल बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और वी हैव स्टडीड दैट व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्लियर है? अरे बोलिए ना। हो चलिए पॉइंट नंबर टू में आइए। एक्टिविटी 13.7 को सबको याद करेंगे, वही रोड वाला है, एल्युमिनियम रोड वाला।
जब उसको करंट कनेक्टेड कहाँ रखते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। फिर किसी बात हो रही है, ध्यान रखना, सतर्क रहना है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन किस डायरेक्शन होता है? करंट का डायरेक्शन होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटोन होता है, जनरली हमारे दिमाग में है हम लोग से पहले से। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन जो भी होता है वह डायरेक्शन किसका होता है? करंट का होता है। अल्फा पार्टिकल तो मोम आया है, बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। लेकिन असल में हमको से मतलब नहीं, हमको मतलब वो चीज है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो जिन्हें जन्ने जाएगा करंट क्या जाएगा? वो नहीं जाएगा। तो प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर है? वेस्ट तरफ है। और डिफ्लेक्ट हो रहा है वो किधर? तो डिफ्लेक्शन हो रहा है नॉर्थ, मतलब फोर्स किधर लग रहा है? नॉर्थ। कॉपी में नॉर्थ बनाओ, कॉपी में चार डायरेक्शन बनाओ फटाफट। देखो फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ और पॉजिटिव इधर है वेस्ट, बताओ इधर कौन सी होता है? ईस्ट। इधर क्या होता है? यानी ये हो गया आपका क्या? करंट आई हो गया। अब बताइए क्या कहां लगेगा मैग्नेटिक फील्ड? कॉपी बना के देखिए, कॉपी पे कहां लगेगा? फोर्स उधर है, फोर्स आगे की ओर है ऐसे, और करंट उधर है, करंट इधर हो गया ऐसे। देखो कहां लगेगा? डाउनवर्ड। नॉर्मल लगेगा अपवर्ड लगेगा? देखो चेक कीजिए, आप लोग खुद से चेक कीजिए। कहां लगेगा चेक कीजिए? डाउनवर्ड। देखिए आपके सामने आ रहा है, देखो फोर्स कहां जा रहा है? आगे। तो फोर्स अंगूठा मेरा कहां रहेगा? आगे, अंगूठा आगे रहेगा ना। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर है? वेस्ट। तो पॉजिटिव मतलब करंट वेस्ट में है, तो करंट को वेस्ट रखना नहीं, बीच वाला फिर कहां रहेगा? वेस्ट में। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि ई का बढ़ा जा रहा है। फिर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है ना, और थंब कहां रहना चाहिए मेरा? थंब आगे है और करंट इधर है। देखो नहीं नहीं कैसे किए थे हमको? रुको रुको, थंब आगे अपवर्ड होगा यार, अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। देखो अपवर्ड होगा, देखो देखा, थंब आगे है, थंब आगे है, फोर्स इधर है, तो करंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रहा है? ऊपर, अपवर्ड होगा इसका। देखिए देखिए कुछ तो देखिए आप लोग, इसका अपवर्ड होगा। देखो ये रहा हमारा थंब, ऐसे कर लो सबको सामने से, ऐसे कर लो अंगूठा आगे, ये आपका फर्स्ट फिंगर कहां रहेगा? ऊपर सामने करो ना, सामने था फ्रंट ऐसे हुआ। देखो ये करंट है हमारा उधर, देखो आई जा रहा है उधर, देखो वहां पे आई जा रहा है उधर, और ये हमारा थंब आगे क्यों जा रहा है? फोर्थ तरफ। कॉपी बना लो, फोर्थ आगे है कॉपी पे, देखो यहाँ पे कॉपी में फोर्थ कहाँ है? आगे है। तो हमारा थंब भी कहाँ है? आगे। इधर करंट जा रहा है, मिडिल फिंगर उधर है करंट की तरफ, तो ये हमारा कहाँ है? फर्स्ट फिंगर ऊपर। अब फर्स्ट फिंगर क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अपवर्ड, अपवर्ड होगा। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताइए, हु विल स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्टेट द कौन सा हैंड? किसका हैंड? किस हैंड का फिंगर? स्ट्रेट द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर विजुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करेंट, इन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। थर्ड में, सॉरी सेकेंड, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? तो सबसे सिंपल आंसर क्या होगा? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थोड़ा डिफरेंट आंसर, कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कब तक? अनलेस एंड अनटिल करंट इज पास थ्रू इट। समझ में? व्हेन एन रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कब तक? अनलेस एंड अनटिल करंट इज पास्ड थ्रू इट। क्लियर है? चलो थर्ड का, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ये आया हुआ एग्जाम में बहुत बार। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज
टू इंड्यूस करंट इन अ क्वायल। कितने तरीके से हम क्वायल में करंट पैदा कर सकते हैं? पहला, बाय द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट एंड अ क्वायल, है ना, उसमें तीन केस है ना। दूसरा, बाय द हेल्प ऑफ टू क्वायल्स, बाय द हेल्प ऑफ टू क्वायल्स, है ना, एंड इन विच वन क्वायल इज वन क्वायल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच एंड द सेकेंड क्वायल हैविंग लेस नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। उससे बता देंगे कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी क्वायल में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। फिर हम स्विच को ऑफ करेंगे तभी उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। इस तरीके से हम करंट को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। चलो स्टेट इसे बनाने के सिलेबस में चलो इसमें आते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कौन सा वायर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है ना। स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, इन द फॉर्म ऑफ, कौन आंसर होगा, कौन आंसर होगा, कौन होगा, डी। ठीक है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन अ वायर। बोलिए हाँ कि ना। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, वही क्वेश्चन था ये, पढ़ लो बस। वन माया क्वेश्चन नंबर टू पे आइए। द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है वो क्या है। तो पहला, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना जब करंट पास कराएंगे, या कोई चीज प्रोड्यूस करना, इंड्यूस करंट इन अ क्वायल टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड अ क्वायल। मतलब क्वायल और मैग्नेट के रिलेटिव में मोशन कराने पे क्या आना चाहिए उसमें, करंट। ये होगा ना सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बनता है, करंट। इंड्यूस करंट मतलब करंट बनता है, नहीं बनता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। थ्री में आई, इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर या मीटर की मोटर, जनरेटर। ये सिलेबस के बाहर है, ठीक है, आगे बढ़े आगे। फोर, एसेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, जनरेटर नहीं है, शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, जान लीजिए। फिर भी शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है, करंट इंक्रीजेस हेवीली। इसका आंसर होगा सी। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, बताइए। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाता है कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बनाता है। मोटर में क्या देते हो, मोटर को चलाने के लिए क्या देते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या बनाता है, बोल रहा है कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाता है, सही गलत है। इलेक्ट्रिक जनरेटर सिलेबस में नहीं है, लेकिन बोल रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब वो करंट को बनाता है, सही बात है, कौन बात है, दो बात, सही बात है। द फील्ड एट सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर क्वायल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि फील्ड जो होता है किस, कहां पे, लॉन्ग सर्कुलर क्वायल, कैसा क्वायल है, सर्कुलर क्वायल लंबा है, उसका होगा पैरेलल स्ट्रेट लाइन, कैसा होगा, सही गलत है। लॉन्ग सर्कुलर क्वायल कैरिंग करंट इज पैरेलल स्ट्रेट लाइन, फॉल्स होना चाहिए भाई सर, तो पैरेलल बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन में होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन कहां होता है, सोलेनोइड कहां है, केबल क्या बोल रहा है, सेंटर पे बोल रहा है, लॉन्ग सर्कुलर क्वायल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, भाई क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज अगर ये रहता सोलेनोइड की तरफ, लॉन्ग क्वायल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, ऐसे रहता सोलेनोइड रहता, तब क्या बोलते हैं यहां पे, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, उसमें तो स्ट्रेट लाइन बताया था ना आपको, सर्कुलर क्वायल में बीच में कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। और वायर ग्रीन इंसुलेशन का जो होता है वो आपका अर्थ वायर होता है, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्लाई वायर, ये भी क्या होगा, क्लियर है, तो इसको कर मत, इसको मत ही रखिए, सिलेबस के बाहर है। लाइव वायर जो होता है वो रेड कलर का कवर होता है उस पर, ठीक है, और जो पैक होता है लाइव वायर में क्या होता है, न्यूट्रल वायर, वो होता है आपका किस कलर का, ब्लैक कलर का, इसका होता है ब्लैक, और अर्थ पे कितना होता है, ग्रीन। लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है तो दो तरीका बताइए, एक किसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेट से, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कैसे बना सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट, और दूसरा बाय द हेल्प ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, समझ में आया, ये हो गया दो वेज टू प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। एट, हाउ डज अ सोलेनोइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सोलेनोइड मैग्नेट का बिहेव कब करता है, जब उसे क्या पास करा सकते हैं, करंट।
When a current is passed through a solenoid, then it starts behaving, it creates magnetic field around it and hence it behaves like a magnet. Clear है? और उसका डायग्राम आगे दिखा दीजिएगा. अब बोल रहा है, can you determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? बोल रहा है कि आप solenoid का north pole और south pole क्या आप magnet के help से पता कर सकते हो? तो हाँ कर सकते हैं. कैसे? अगर solenoid के अगर एक face पे अगर हम magnet का north pole लेके जाए, क्या लेके जाए? नॉर्थ पोल. अगर वो रिपेल कर दे, क्या कर दे? इसका मतलब वो कौन सा होगा? नॉर्थ पोल. अगर वो अट्रैक्ट कर ले, इसका मतलब क्या हो गया? साउथ पोल. अगर हम नॉर्थ पोल लेके जा रहे हैं ना, मान लो ये फेस है, हमें लेके गए, हम इसका पता है कि हम कौन सा पोल लेके गए हैं? नॉर्थ पोल. और नॉर्थ पोल लेके गए, अट्रैक्ट कर लिया. अट्रैक्ट तभी होगा जब ये साउथ होगा. अगर मान लो अट्रैक्ट कर लिया तो कौन सी हो गया? साउथ. और रिपेल कर दे तो क्या हो गया? नॉर्थ. तो ये नॉर्थ तो ये साउथ, और ये साउथ तो ये हो गया. पता कर लेंगे. समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया. हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे क्या कि वी विल टेक द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट एंड वी विल टेक इट नियर टू द वन फेस ऑफ ए सोलेनोइड. इफ इट विल रिपेल देन इट विल बी द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनोइड एंड इफ इट अट्रैक्ट देन इट विल द साउथ पोल ऑफ द सोलेनोइड एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा? अगर नॉर्थ होगा अगर क्या होगा? साउथ. अगर साउथ होगा तो क्या होगा? नॉर्थ. चलिए 9. When is the फोर्स एक्सपीरियंस? जब पता है वो कब फोर्स जो होगा वो करेंट करेंट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में डालने पे क्या लगेगा? लार्जेस्ट लगेगा. फोर्स करेंट करेंट कंडक्टर पे मैक्सिमम कब होगा? लार्जेस्ट कब होगा? जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ क्या इलेक्ट्रिक करेंट दोनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर टू. मतलब जब आई और बी करेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द फोर्स विल बी मैक्सिमम. बता देंगे, बता दिए आप लोग. 10. इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर. आप इमेजिन करो कि आप कहाँ बैठे हुए हो? चैम्बर में बैठे हो, अपने केबिन में बैठे हुए, रूम में बैठे हुए हो. विथ योर बैक टू वन वॉल. आपका बैक पीठ कहाँ है? वॉल की तरफ. सबका पीठ किधर है? सबका पीठ वॉल की तरफ है. मेरा ही पीठ किधर है? तो हम अपने इधर से सोचेंगे, आप उधर सोचिएगा. ठीक है, चलिए आगे. एन इलेक्ट्रॉन बीम. अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का बीम मतलब गुच्छा, इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है ना, वो क्या हो रहा है? मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक वॉल टुवार्ड्स द फ्रंट वॉल. बोल रहा है कि आपके पीछे से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ. तो इलेक्ट्रॉन पीछे से आगे जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा? हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब है, करंट से मतलब है. ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन आपको किस करंट से पता कर देगा? करंट का. यानी आपके पीछे से इलेक्ट्रॉन आगे क्यों आ रहा है? मतलब करंट कहाँ जा रहा है? आगे से पीछे. समझ में आ गया? करंट कहाँ जा रहा है? पीछे. करंट कहाँ जा रहा है? ठीक है. यानी याद रखिएगा, आपका ई वाला फिंगर कहाँ जाएगा? पीछे. अब देखना है कि आप फ्लेमिंग लेफ्ट लगाएंगे फ्लेमिंग राइट लगाएंगे, ये भी ध्यान देना है. फोर्स पूछेगा तो क्या लगाएंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट. और इंड्यूस करंट पूछेगा तो क्या लगाएंगे? तो इंड्यूस करंट तो कुछ नहीं रहा, करंट तो दे दिया है. क्योंकि करंट बोल रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है? पीछे से. यानी करंट दे दिया आपको, मतलब क्या पूछेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. देखो यहाँ पे तो करंट पता था भैया. अब बोल रहा है क्या कि इज डिफ्लेक्टेड. इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है कहां से? पीछे से आगे की ओर. वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, वो घूम जा रहा है किधर की ओर? बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. किधर? राइट साइड. आपका दाया किधर है? उधर. आपका दाया किधर है? राइट हैंड. किधर आपका? तो उधर क्यों इलेक्ट्रॉन घूम जा रहा है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उधर घूम रहा है, मतलब फोर्स किधर लग रहा है? अगर मान लो आपको कोई थप्पड़ मारा, हम इन्हें चले गए, इसका मतलब फोर्स कहाँ लगा है? उधर लगाया है ना. हमको कोई धक्का मारा और मुन्ने खसक गए, इसका मतलब क्या हुआ? कि हमको फोर्स उधर लगाया था ना, उधर खसके हैं. अगर इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्शन राइट में कर रहा है, इसका मतलब फोर्स किधर?